आज हम इसमें बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की। ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर शुक्रवार को ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने 291 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, 3 सीटें सहयोगी पार्टी के लिए छोड़ दी गई है। टीएमसी ने 50 महिलाओं, 42 मुस्लिम, 78 अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट भी दे दिया है। बता दें आपको कि ममता बनर्जी, उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में ममता बनर्जी का कहना है कि हम इस बार 27 विधायकों को टिकट नहीं दे रहे हैं, इसके साथ ही हम 80 साल से ऊपर के लोगों को भी टिकट नहीं दे रहे हैं। वित्त मंत्री अमित मित्रा खराब तबीयत की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, साथ ही पार्थ चट्टोपाध्याय को भी टिकट नहीं दिया गया। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने पूछा, डिप्टी सीएम की गाड़ी में पैसा क्यों आ जा रहा है? ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी ही माँ मानुष और माटी की लड़ाई लड़ रही है। हमने गंगा से लेकर सभी मंदिरों के लिए काम किया है, किसी धर्म विशेष के लिए काम कभी नहीं किया। हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल बाहरी लोगों का साथ नहीं देगा। मैं उन लोगों को जानती हूँ जो होटलों में रह रहे हैं और कैसे पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। इसके अलावा ममता ने सीपीएम और कांग्रेस पर भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ सौदा करने का आरोप लगा दिया। आज की चर्चा इसी पर, टीएमसी की लिस्ट फाइनल, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार, ममता का मुस्लिम कार्ड क्या बीजेपी को देगा मात? और ऐसे में कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन नंदीग्राम से ममता फाइनल, तो बीजेपी की तरफ से आखिरकार किसे फाइनल किया जाएगा? बीजेपी की तरफ से आखिरकार कौन? और एक और अहम सवाल, शुक्रवार क्या फिर करेगा टीएमसी का बेड़ा पार? जी हाँ, और आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक और अहम सवाल ये कि आखिरकार कब खत्म होगा बीजेपी की लिस्ट का इंतजार? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है, ऐसे में अब बीजेपी की लिस्ट कब तक आ पाती है, इसके लिए करना होगा इंतजार। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं, मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बीजेपी नेता अरविंद सिंह भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी आप ही के साथ। टीएमसी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, सारे पत्ते खोल दिए गए हैं, बीजेपी की तरफ से कब पत्ते खोले जाएंगे, खासतौर पर नंदीग्राम सीट पर जो संग्राम होने वाला है ममता को चुनौती देने के लिए, आप किस नाम पर, किस चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में? अरविंद जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि टीएमसी उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया गया। 294 में से 291 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ेगी और बाकी की तीन सीटें, दार्जिलिंग की तीन सीटों पर अन्य सहयोगी पार्टियों को मौका देने की बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है। इसके अलावा 50 महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, 79 एससी उम्मीदवार है और 17 एसटी उम्मीदवारों को भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने टिकट दिया है। ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, नंदीग्राम जहां से 2016 में जबरदस्त जीत शुभेंदु अधिकारी को हासिल हुई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये चुनौती जो शुभेंदु की तरफ से ममता बनर्जी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर दी गई, उसे स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी पुरजोर तैयारियों के साथ अब नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ेंगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। और ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत सीट को इस बार छोड़ा है, भवानीपुर से इस बार वो चुनावी अखाड़े में नहीं उतरने जा रही, बल्कि इस बार उन्होंने नंदीग्राम सीट को चुना है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नंदीग्राम सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, मुस्लिम वोटर्स का वहाँ दबदबा देखा जाता रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण होना वहाँ तय होगा और जिस भी तरफ मुस्लिम वोटर्स जाएंगे उसकी जीत निश्चित होगी। फिलहाल मदन मित्रा कमरहाटी से चुनाव लड़ेंगे, 291 सीटों पर नामों का, चेहरों का ऐलान टीएमसी की तरफ से कर दिया गया है। वित्त मंत्री अमित मित्रा इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, खराब सेहत की वजह से वो चुनावी अखाड़े से इस बार दूर ही रहेंगे। मंत्री शशि पांचा भी उम्मीदवार बनाए गए। टीएमसी के करीब 27 से 28 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया, सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें से टीएमसी के उम्मीदवार 291 सीटों पर
जबकि 3 सीटें दार्जिलिंग की सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ दी गई है। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐलान किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा जो संग्राम होने वाला है, घमासान जो होने वाला है, वो नंदीग्राम सीट पर ही, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी चुनावी अखाड़े में उतर रही हैं। आज इस बात पर मोहर लगा दी गई है, इस बात का ऐलान कर दिया गया है, इस बार भवानीपुर से चुनाव ना लड़कर नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी सीधे सीधे जीत की हुंकार भरती हुई। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल कि ममता बनर्जी की इस चुनौती के सामने, इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को दांव पर लगाती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब तक तो सबसे आगे नाम नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी का ही चल रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ की रग रग से वाकिफ है। 2016 में भी 60% से भी ज़्यादा वोट शुभेंदु अधिकारी को इस सीट से हासिल हुई थी। ऐसे में एक बार फिर कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के पास और कोई चेहरा शुभेंदु अधिकारी के अलावा इस सीट से है ही नहीं। शुक्रवार किसका करेगा बेड़ा पार। और बीजेपी की लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन टीएमसी ने लिस्ट जारी कर दी है। बिना समय गवाए अपने दोनों खास मेहमानों के पास चलते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कब तक आपकी लिस्ट जारी होगी? नंदीग्राम में ममता के अपोजिट आप लोग किस चेहरे पर दाव खेलने की तैयारी में है, कब खुलासा होगा? अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है? आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी अरविंद जी, पूरी कीजिए अपनी बात, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, बीजेपी की जैसे लिस्ट आएगी आपको पता चल जाएगा कि किस सीट से कौन लड़ रहा है। और हाँ, हमारे वहाँ परंपरा है, लिस्ट जारी होने के पहले नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ से कौन लड़ेगा। ये तो पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो चुनाव समिति है उसका फैसला होता है, तो उसके पहले कुछ प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। लेकिन एक खबरें इस तरह की आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी को उतारना यहाँ बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि 2016 में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल हुई थी, ऐसे में और कोई विकल्प आपके पास है ही नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजबूरी के तहत कोई डिसीजन नहीं लेती है। हम रणनीति के तहत और उपयुक्त, क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है, उसके तहत डिसीजन लेते हैं। जिस नाम का भी घोषणा करना बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति को सही लगेगा वो करेगी उस नाम का घोषणा, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, संजय सरकार, बीजेपी का कहना है कि अभी हम मंथन कर रहे हैं, जल्द ही नामों की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन ऐसे में आप ये बताए, टीएमसी फिलहाल वहां नंदीग्राम सीट से जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ चुनावी अखाड़े में है, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? शुभेंदु अधिकारी 2016 में 60% से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे, वहां से मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है वहां पर, क्या लगता है ममता बनर्जी के साथ जाएंगे या फिर शुभेंदु अधिकारी पर ही एक बार वहां पर विश्वास जताएंगे? बंगाल में जितना भी चुनाव होता है ममता बनर्जी को तस्वीर देके और सिंगल देके यहाँ पर चुनाव होता है। यहाँ पर हम किसी को भी खड़ा करेंगे तो बड़ा प्रामाणिक में जीत जाते हैं, ठीक है। और 2016 में देखिए, 2008 में जब नंदीग्राम आंदोलन के बाद में दीदी ने बोली थी यहाँ से लोकसभा से शुभेंदु अधिकारी को चुनाव लड़ाएंगे, दीदी ने चुनाव लड़ाए। फिर 2016 में दीदी बोला नहीं, इसको मंत्रिमंडल में लेके विधायक के चुनाव में लड़ाएंगे, चुनाव लड़ाए हैं। जो भी बात होता है, बंगाल की पूरा जनता दीदी को साथ में है, दीदी कहीं से भी खड़ा हो जाएगी, चाहे कहीं से, वहीं से लाख वोटों से दीदी जीतेगी। और दूसरे नंबर बात है, भारतीय जनता पार्टी मेरे सामने कॉन्टेस्ट में है ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़ाई, लेकिन भवानीपुर की परंपरागत सीट जिस तरह से ममता बनर्जी ने लड़ाई कर रहे हैं जी, बीजेपी के अमित मालवीय का कहना है कि हार तो आपने अभी से स्वीकार कर ली अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर। देखिए, हाथी चले बाजार और डैश 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 बोलने नहीं चाह रहे, बस अब सुन लीजिए, अनिप मालविया कौन है? ममता बनर्जी के सामने क्या है अमित मालविया? क्या है, क्या कौन जानता है अमित मालविया को? क्या परिचय है उनको? कौन से कैरोप में जिंदा रहते हैं?
मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ममता बनर्जी सी इज द वर्ल्ड फेमस लीडर, नहीं वर्ल्ड फेमस लीडर है, सी इज द वर्ल्ड फेमस लीडर एंड एवरीबॉडी इज नोज द ममता बनर्जी। आपको जानकारी होना चाहिए। आप अमित मालविया का कहां से लेके आ गया, कुछ भी कहे बीजेपी के नेता, कुछ भी कहे, कुछ भी करते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने स्टैंड पर अड़े हैं। चलिए ठीक है, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी देखिए, अभी ये जो बोल रहे थे तृणमूल के प्रवक्ता, ये नहीं बोल रहे थे, इनका अहंकार बोल रहा था, ममता दीदी जिसका नाम घोषित करती है वो जीतता है। ये देखिए, इसी को अहंकार कहते हैं, इसको रावण वाला अहंकार कहा जाता है। और बंगाल के जनता ने तो डिसीजन ले लिया है, बंगाल ने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार से, भय से, बुआ भतीजावाद से मुक्ति पाना है, और 2 तारीख को, 2 मई को बंगाल दीपावली मनाएगा, और बंगाल के साथ साथ पूरा देश मनाएगा, और बंगाल को ममता बनर्जी के तानाशाही से, करप्शन से, और बुआ भतीजावाद से, बाप बेटावाद, मां बेटावाद। दूसरी बात, मां बेटावाद, बाप बेटावाद कब बंद होगा, वो कौन होता है भारतीय जनता पार्टी के? अरविंद जी, संजय जी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। डर से अपनी चुनावी सीट छोड़ दी है। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं उनको, बाप बेटा बात कम खत्म होगा, सीट छोड़ा, बाप बेटा बात अमित शाह जैसा, बसंत राज सिंधिया, दुश्मन सिंधिया, नहीं नहीं, प्रेम कुमार, प्रेम सिंह धुमाल, अनुराग ठाकुर, नहीं नहीं, येदुरप्पा, विजेंद्रा, ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय, उसको बेटा, मैंने इतना बाप बेटा बात, माँ बेटा बात, ये जो है ये कब खत्म होगा? नहीं नहीं, ये बेटा नहीं, ये माँ बेटा बात कब खत्म होगा, बाप बेटा बात कब खत्म होगा? आप तो भतीजा बात तो बोल दिया है, लेकिन ये वाला बात कब खत्म कीजिए, बात का जवाब दीजिएगा। सरकार आपसे पूछ रहे हैं कि बाप बेटा बात कब खत्म होगा, ये आरोप टीम की तरफ से आता है। बाप बेटा बात देखिए, परिवारवाद उनको हम पूछने चाहते हैं, दुश्मन सिंधिया किसका बेटा है, ज्योतिराजय सिंधिया का बेटा है, ठीक है, अनुराग सिंह किसका बेटा है, प्रेम सिंह धुमाल का बेटा है, बीजेपी का कहना है भारतीय जनता पार्टी नीतियों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर काम करती है, आगे भी करती रहेगी। संजय जी आप ये बताए, आप मेरे पास समय की कमी है, आखिरी सवाल आपसे, शुक्रवार क्या इस बार फिर आप लोगों का बेड़ा पार कर पाएगा जैसा पिछली दफे हुआ था? कितनी उम्मीदें, कितनी आस, कितने कॉन्फिडेंट आप लोग संजय सरकार? देखिए मैं 220 सीट के ऊपर सत्ता में आ रहा है लेके, ठीक है ना, मैं आपको एक चीज बता दे रहा है, आप लिख के रख दीजिए, भारतीय जनता पार्टी क्या होता है ना, कभी कभी हवा में उड़ता है ना, हवा में जैसे दिल्ली में उड़े थे, बंगाल में भी हवा में उड़ रहे हैं। और दूसरा नंबर बात है, इसको बाप बेटा बात कब खत्म होगा हम जानने चाहते हैं, अमित शाह जैसा वाला बात, इसके बाद इधर उपा विजेंद्र वाला बात, प्रेम सिंह धुमाल वाला, अनुराग सिंह ठाकुर वाला, तो ये सब बाप बेटा बात, माँ बेटा बात कब खत्म करेंगे भारतीय जनता पार्टी? परिवार बात कब खत्म करेंगे? कब परिवार बात खत्म कर सकते हैं? पहले पूछिए जल्दी से सर, अरे दूसरे तैयारी के साथ आप करने जा रहे हैं, और आपकी लिस्ट कब तक आ जाएगी? आज आ जाएगी लिस्ट, कितनी संभावना है? हमारे बहुत जल्दी आ जाएगी, इंतजार करिए, रणनीति के तहत जब उपयुक्त लगेगा हम लिस्ट घोषित करेंगे। अभी लिस्ट आने के पहले ममता जी ने मैदान छोड़ दिया। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय मेरे पास बस इतना ही था। तो कुल मिलाकर टीएमसी की तरफ से लिस्ट जारी करने के बाद अब इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है बीजेपी के लिस्ट का, और खास तौर पर नंदीग्राम सीट पर किस चेहरे को, किस उम्मीदवार को बीजेपी उतारने वाली है उस चेहरे का, क्योंकि आगे की असल लड़ाई उसी के बाद फिर शुरू हो जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।